हेलो फ्रेंड्स, मेरे ग्रीन लाइब्रेरी चैनल में आपका मोस्ट वेलकम। आज की जो मेरी शॉपिंग है वो घर बैठे बैठे है, नर्सरी की नहीं है। और जो ये वीडियो है ये मैंने जो घर पे लिए हैं ये प्लांट्स आज उस पर है। और कभी कभी क्या होता है, हम घर में बैठे बैठे भी हमारे गली मोहल्ले में जो भैया आते हैं फूल वाले उनसे ले लें तो वो भी कभी कभी सही रेट में पड़ जाते हैं। आज उसी पर है ये वीडियो मैं शेयर करूँगी अभी। और इसमें दाम भी, रेट भी और प्लांट्स के जो नाम है वो भी शेयर करूँगी। और कुछ मैंने गमले लिए वो भी शेयर करूँगी। और आइए मेरे साथ, एक एक पेड़ के नाम भी बताती हूँ और रेट भी बताती हूँ। ये मैंने लिया था, ये अरेलिया है और ये छोटी वाली अरेलिया है, ग्रीन ग्रीन रहती है। और ये जो मिनीचर वाली होती है ये इस तरह की है और छोटे से गमले में है। ये सिर्फ मुझे जो है भैया ने, उन्होंने जो फूल वाले आते हैं उन्होंने 100 रुपए का दिया। ये मुझे जो है डील बहुत अच्छी लगी इस प्लांट की। 100 रुपए में गमला भी है और पेड़ भी है। और एक ये साइप्रस है, ये कितना डार्क ग्रीन रहता है, कितना प्यारा है, कितना सुंदर है। ये देखिए, पूरा दिखाती हूँ इसका, कितना सुंदर है। और ये भी गमले शायद उन्होंने 150 रुपए का दिया है। ये भी बहुत सुंदर है, ये भी मुझे अच्छा पड़ा, सही पड़ा। और अभी ये वाला दिखाती हूँ आपको, ये वेकन वेकिया है, वेकन वेकिया तो बड़ी पत्ती वाला है, ये लीव्स वाला जिसमें लंबी लीव्स होती हैं। और मेरे पास वो दूसरा वाला भी है, ये देखना ये कितना सुंदर, ये बड़ी बड़ी लीव्स हैं और इसमें काफ़ी सारी लीव्स हैं। और ये गमले में तो नहीं है मगर ये भी मुझे 150 का पड़ा है, 150 रुपये का। और ये भी मुझे अच्छा लगा और घर बैठे बैठे ये मैंने शॉपिंग की है। और एक मैंने लिया है फ्लावर के भी लिए हैं, ये देखना, ये फ्लावर का है आइजोरा, जिसे एक्जोरा भी बोलते हैं। कितना बड़ा फुटबॉल की तरह है, कितना अच्छा फ्लावर है, ऑरेंज कलर का है और इसमें कई सारे बंच में फूल आते हैं। ये देखना, अलग अलग बंच में इस तरह खिल जाते हैं, पहले छोटी सी बंच होती और फिर ये इतना बड़ा बंच बन जाता है फूलों का, कितना सुंदर है। ये भी मुझे मात्र 200 रुपये में पड़ा, ये भी मुझे अच्छा लगा। और मैं अब दिखाती हूँ क्रोटोन का, ये इतना सारा घना और बूसी प्लांट है ये, इतना सारा। ये देखो इसकी लीव्स कितनी बड़ी बड़ी हैं, इसमें कलरफुल है, ये देखो इसकी लीव्स सारी ये कलरफुल है, कितने सुंदर कलर है इसमें, लाल है, येलो है, डार्क ग्रीन है। और ऊपर ये देखना, ये नई नई है तो इसमें देखो कितनी प्यारी प्यारी है, कई सारे कलर हैं इसमें, ये कलरफुल है, बहुत सुंदर है, प्यारा सा और कितना घना है। और इसमें इतना बड़ा गमला है, 8 इंच का मुझे गमला भी दिया है। और ये भी मुझे, मैंने ये भी यहीं से लिया है, बाय किया है। और ये कितना है, यहाँ से देखो कितना अच्छा है। और ये मुझे 220 का पड़ा, 220 का दिया उन्होंने, ये भी मुझे अच्छा लगा। और नर्सरी पे भी इससे कम नहीं मिलते, इससे ज़्यादा ही मिलते हैं। और ये प्लूमेरिया है, ये देखो ये भी गमले सहित है, पॉट है इसमें 8 इंच का, ये भी मैंने यहीं से बाय किया है। इसमें ये लंबी लीव्स हैं और अभी फूल तो नहीं है इस पर, फूल अभी बाद में आएंगे, मगर मैंने ले लिया क्योंकि उन्होंने ये बताया कि ये पिंक कलर का है, लेकिन ये पिंक कलर का नहीं लग रहा क्योंकि इसकी जो लीव्स से पता चल रहा है ये वाइट कलर का है जहाँ तक है, और फूल आने के बाद पता चलेगा। और ये भी मुझे उन्होंने ये 150 रुपये का दिया, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कम से कम अगर हम नर्सरी से लेते तो वो कम से कम 200 रुपये का देते गमले सहित, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक ये देखिए, ये फूल का लिया मैंने, ये देखना, ये एलामंडा का है, वाइट कलर का मेरे पास नहीं था और मेरे पास पिंक और येलो कलर के थे दो। ये क्रीपर है, ये जैसे बेल जाती है वो है। और ये भी मुझे 150 रुपये का दिया है उन्होंने, ये भी गमले सहित है। ये देखो मैंने 150 150 के काफ़ी सारे लिए हैं, अच्छा प्लांट है ये। और कलियाँ भी बनी है, वर्ष भी, और फूल भी कितना सुंदर सुंदर है इस पर, वाइट कलर का, और काफ़ी अच्छा हेल्दी प्लांट है। और इसे मैं क्या करूँगी, अभी तो फिलहाल तो इसको मैं इसी में रहने दूँगी विंटर, और उसके बाद इसको मैं सीमेंट वाला गमला दूँगी क्योंकि ये धूप में रहने वाला प्लांट है, इसलिए इसको मैं बाद में सीमेंट वाला गमला दूँगी। और एक मैंने लिया है ये, अभी दिखाती हूँ, ये अश्वगंधा, ये जो औषधि होता है, औषधि प्लांट है ये अश्वगंधा, ये देखो। और ये भी
ये भी मुझे 150 रुपये का पड़ा और वो भी घर बैठे बैठे। और नर्सरी में कोई 200 का बोलता है, कोई 250 का बोलता है, ऐसे मिलते हैं। और ये मुझे 150-150 की पड़े, बहुत अच्छे प्लांट पड़े मुझे घर बैठे बैठे। और बस उनसे थोड़ा बालकोनी करनी पड़ती है, वैसे वो भी वो महंगा ही बताते हैं, मगर हम जब रेट करते हैं तो वो सही रेट में हमें दे देते हैं। ये तो औषधि का है, इसके मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी और फिर शेयर करूंगी। और ये एक पेड़ मैंने ये येलो कलर का है, ये हिबिस्कस है, गोल पत्ती वाला। और इस पे जो ये लीव्स है इसकी बड़ी ग्रीन, डार्क ग्रीन रहती है और बहुत सुंदर लगती है। पत्ती भी इसकी बहुत सुंदर लगती है। और इस पे येलो कलर का फूल बहुत ही सुंदर है। अभी इसके फूल निकल गए, 2-3 फूल आए थे इस पे, क्योंकि मैंने 4-5 दिन पहले ही लिए थे। ये है, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया, इसकी भी पत्तियाँ देखो कितनी प्यारी है। ये जो ड्रेसिना वैरायटी होती है, इसकी जो लिप्स है वो भी कितनी प्यारी है। ये देखिए बटरफ्लाई घूम रही है यहाँ पे। और ये देखो ये भी कितनी है, ये भी काफ़ी बूंशी है, घना। इसमें 3 है, इसमें 1-2-3। और ये भी मुझे मात्र 150 रुपये का पड़ा। और कितना ग्रीन और कितना सुंदर है। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो आप भी ले सकते हैं, आपके जैसे गली मोहल्ले में आए तो आप भी बाय कर सकते हैं। और लेकिन उनके साथ थोड़ा रेट उनको जरा बोलना पड़ता है, वो सही कर देते हैं। और एक ये है मेरा, ये तो मैं दिखा चुकी हूँ। और ये जो सारे हैं, और ये मैंने कुछ गमले भी खरीदे हैं, ये देखना, ये पॉट्स खरीदे हैं। और ये जो 100 प्लांट है, मैं इनमें प्लास्टिक वालों में इनमें रखती हूँ, जो सुंदर वाले होते हैं, सुंदर भी होते हैं और ये मजबूत भी होते हैं, इस तरह के अरकर लोग। ये मुझे मात्र 80 रुपये का पड़ा, ये भी 80 रुपये का है, दोनों एक जैसे हैं। और जो ये 100 प्लांट है, और ये मैं इसमें लगाऊंगी, जैसे ये वाला है और एक ये वाला है, तो ये मैं दोनों इसी में लगाऊंगी। और एक सॉन्ग, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया, तो ये मैं प्लास्टिक वाले में ही लगाऊंगी। और ये एक जोरा, और ये आपका ये हो गया, ये मैं बाद में सीमेंट वाले में लगाऊंगी। ये वाले ये जो है 3-4 जो धूप में रखने वाले प्लांट है, उनको मैं सीमेंट वाले गमले उनमें लगाऊंगी। और बाकी जो 100 प्लांट होते हैं उनको मैं ये प्लास्टिक वाले गमले दूंगी। और अब मैं आपको इसकी मिट्टी बता देती हूँ कैसी बनानी है, कि मैंने पहले से ही तैयार कर रखी है। और इसमें मैंने 2 पार्ट ये गार्डन सोयल लिए, और एक पार्ट मैंने रेत लिए, और एक पार्ट मैंने ये जो होता है कोकोपीट, एक पार्ट मैंने कोकोपीट का लिया है, और एक पार्ट मैंने जैसे बर्नी कंपोज और ये लीफ कंपोज उसका लिया है, और मिट्टी का 2 पार्ट लिया है। और ये इसमें मैंने थोड़ा जैसे गमले के हिसाब से रखेंगे, अगर एक गमला लगाना है तो एक मुट्ठी नीम खाली डाल दीजिए, अगर ज़्यादा लगाना उसी हिसाब से लेना है, हमने छोटे बड़े गमले के हिसाब से लेना। अगर बहुत बड़ा गमला है तो 2 मुट्ठी लीजिए एक गमले में नीम खाली, और वैसे एक मुट्ठी लीजिए छोटा हो तो, 8 इंच के में बहुत होता है एक मुट्ठी। और मैंने थोड़ा सा ये जो येलो येलो दिख रहा है ये मैंने इसमें फंगीसाइड डाला है, 1 चम्मच भर के इसमें डाला, क्योंकि मुझे कई सारे गमले लगाने हैं इसलिए मैंने ज़्यादा डाला है। और मैं अब इसको मिट्टी में रिपोर्ट करूँगी सबको, इन्हीं गमलों इनको जो जो मुझे करने हैं। और जो है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक दे देना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना।